इलेक्शन कमीशन ने सरकारी मुलाजमतों और तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी लगा दी। इलेक्शन कमीशन की पेश की इजाज़त के बगैर तकर्री तबादले ना किए जाएँ। इलेक्शन कमीशन ने खत लिख दिया, वफाकी सूबाई और मुकामी इदारों में हर किस्म की भर्ती पर पाबंदी है। निगरान हुकूमतें पहले से जारी माहदों पर अमल दरामद करवा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म वज़रा आला और काबीना अरकान से असासों की तफसीलात भी तलब कर ली। साबिक वज़ीर आज़म वज़रा आला काबीना और अरकान असम्बली सरकारी रिहाइश गाहें खाली कर दिए और गाड़ियाँ वापस कर दी। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान, ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।